बाय बाय 2022। आई होप कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नए साल का पहला दिन होगा और मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई नया साल स्टार्ट हो चुका है और नई उम्मीदें हमने इस साल से लगा ली हैं। आई होप कि ये साल हमारे लिए खुशियों का सबब होगा, खासतौर पर टैंक इंडस्ट्री के लिए भाई कोई स्टेबल साल हो, ये मजा ही आ जाए, कोई नए नए स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद एक ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो इस नए साल में आपको मिलने वाले हैं। कुछ स्मार्टफोन्स कन्फर्म है कब तक लॉन्च हो रहे हैं और कुछ स्मार्टफोन्स की कन्फर्मेशन अभी रहती है जो आने वाले दिनों में हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो भाई साहब यहाँ पर जो सबसे पहला स्मार्टफोन आपको इस नए साल में देखने को मिलेगा वो 2 से 3 दिन के बाद आपको मिल जाएगा और वो है वीवो की V25 सीरीज। जी हाँ, काफी ज्यादा वेट किया जा रहा था इस सीरीज का और वीवो की V सीरीज कैमरा वाइज काफी ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तानी मार्केट में। तो आपको इस सीरीज का एक नया स्मार्टफोन इस साल के स्टार्ट में ही देखने को मिलेगा और नाम होने वाला है V25e। अभी ये बेस वेरियंट है दोस्तों, इसके बाद V25 Pro भी आएगा और एक 5G वेरियंट भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अभी स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो भाई कोई 60 से 70 हजार स्मार्टफोन की प्राइस आने वाली है। G99 का चिपसेट है, 64 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 4500mAh की बैटरी है और मोबाइल फोन के फ्रंट पर भी आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है। 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आपको यहां पर एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट पैकेज आपको वीवो की तरफ से कुछ 60 से 70 हजार के प्राइस बजट में देखने को मिल सकता है और ये स्मार्टफोन 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तानी मार्केट को टच करने वाला है। तो भाई इस साल का सबसे पहला स्मार्टफोन हमें V25e ही देखने को मिलेगा। अब ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है मेरे नजदीक, आप लोगों के नजदीक ये स्मार्टफोन कैसा है और क्या कुछ चेंज है इस स्मार्टफोन में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद जो नया स्मार्टफोन आपको अगर पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा, कंफर्म नहीं है पहले बता रहा हूँ, लेकिन चांसेस है कि ये सीरीज भी पाकिस्तानी मार्केट में आ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ रेडमी की नोट 12 सीरीज की जो कि चाइनीज मार्केट में आई थिंक 2 मंथ पहले लॉन्च हो चुकी है और अब इसकी जो नेक्स्ट प्लेस है वो इंडियन मार्केट होने जा रही है। लेकिन इंडियन मार्केट के बाद डेफिनेटली इसकी जो नेक्स्ट प्लेस होगी भाई वो पाकिस्तानी मार्केट होने वाली है, क्योंकि सारे स्मार्टफोन जब दूसरी कंट्रीज में बिकना बंद हो जाते हैं फिर उन स्मार्टफोन्स को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन अगर इंपोर्ट्स के ऊपर से पाबंदी हट जाती है, एलसीज खुल जाती हैं, तो भाई फिर पाकिस्तानी मार्केट में धड़ाधड़ स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। जो स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में नहीं बन पा रहे हैं वो बाहर से भी नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान में लॉन्चेस काफी ज्यादा रुकी हुई है। खैर नोट 12 सीरीज की बात करूं तो 3 स्मार्टफोन सामने आ रहे हैं, रेडमी नोट 12, 12 प्रो एंड प्रो प्लस। तीनों स्मार्टफोन में काफी ज्यादा चेंजेस है लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट में पहले सिर्फ Redmi Note 12 को लॉन्च किया जाएगा, इसके बाद एक या फिर 2 मंथ के बाद इन दोनों स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि Redmi पाकिस्तानी मार्केट में मार्केट को खाली नहीं छोड़ने वाला, किसी एक स्मार्टफोन को इनमें से जल्द ही लॉन्च कर देगा और आई होप कि वो पहला स्मार्टफोन Redmi Note 12 होगा। अब यहाँ पर काफी अच्छी चीजें भी है दोस्तों, इस सीरीज में आपको 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है, 5000mAh की बैटरी है, 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी आपको Redmi Note 12 Pro Plus में और इसके साथ साथ दोस्तों आपको OLED डिस्प्ले मिलने वाले हैं। अब काफी कुछ चेंज है इन स्मार्टफोन्स में, डिटेल से इन स्मार्टफोन्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसा कि V25e के ऊपर अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये सीरीज दोस्तों जैसे ही पाकिस्तानी मार्केट में आएगी एक बात तो कन्फर्म है, इस सीरीज की प्राइस काफी अग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि Xiaomi मशहूर है अपनी प्राइस के हिसाब से, अपने स्मार्टफोन्स की प्राइस को इतना अग्रेसिव रखता है कि मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। तो ये स्मार्टफोन्स भी अगर पाकिस्तानी मार्केट में आते हैं तो काफी अच्छी प्राइस के साथ आ जाएंगे। अब बात करें अगर हम किसी और कंपनी की, तो भाई यहाँ पर जो थर्ड निकल कर आती है तो हमें कोई अगर स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं तो वो सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग की A सीरीज के कोई 3 से 4 स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं और यहाँ पर जो पहला स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा वो A34 है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मजे की बात यह है इस सीरीज में भी अब की बार सैमसंग ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सेम डिजाइन वही देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन में कोई का दुका फर्क कर दिया जाएगा और जो सबसे ज्यादा फर्क होगा वो इन स्मार्टफोन्स की प्राइसेस में होने वाला है। काफी बड़ी प्राइसेस के साथ अब की बार सैमसंग की A सीरीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नो या फिर इन्फिनिक्स की, करीब कोई स्मार्टफोन नहीं आ रहा है। इवन के पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे टेक्नो और इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। इस नई हुकूमत की वजह से बहुत सारी चीजें जो भाई वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चली गई हैं। अब यहां पर किसी एक का कसूर नहीं है, खाली एक अलग टॉपिक
जाएगा। लेकिन दोस्तों कहने की बात यही है कि इस वक्त टेक इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ही तनजली का शिकार है। स्मार्टफोन्स कोई करीब करीब लॉन्च होते नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्राइसेस इस वक्त आसमानों को छू रही है ड्यू टू डॉलर फ्लक्चुएशन। जो डॉलर हमें आज से कोई 8-9 मंथ पहले कोई 150 रुपए का मिल रहा था, अब वही डॉलर हमें कोई 230 या फिर 240 रुपए तक का भी मिल रहा है। तो भाई यहाँ पर डॉलर की फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है और वही स्मार्टफोन जो पाकिस्तान में इस वक्त 70,000 के है, वही स्मार्टफोन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क यानी इंडिया में देखें तो भाई वो स्मार्टफोन कोई 25-30,000 के प्राइस बजट में मिल रहे हैं, यानी आधे से भी ज्यादा प्राइस हमें यहाँ पर पे करनी पड़ती है। उसके ऊपर से सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर टैक्सेस पे करना पड़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या बनता है भाई मार्केट का। अभी के लिए तो टेक इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो पे खड़ी है, कोई नए स्मार्टफोन आपको करीब करीब नहीं देखने को मिलेंगे। सोने पर सुहागा है कि भाई हमें V25e देखने को मिल रहा है, V25 सीरीज देखने को मिल रही है, तो भाई बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी प्राइसेस काफी ज्यादा निकल कर आएंगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।